हाय दोस्तों, मैं दबंग सिंह फिर हाजिर हूँ बिग बॉस का ऑनर्स रिव्यू लेके। दोस्तों कल बिग बॉस जो स्टार्ट हुआ वही आजकल मॉर्निंग सॉन्ग बजता नहीं है, मॉर्निंग एंथम गाया गया तो बिग बॉस स्टार्ट कर दिया गया। और कल पहली बार बिग बॉस की कुकड़ू कुकड़ू भी सुनाई दी, क्योंकि निमरत कैप्टन खुद सोई हुई थी, बाकी सारे सदस्य भी जो सोए हुए थे। उसके काफ़ी देर तक कुकड़ू बजता रहा, फिर सभी उठ गए। उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या हुआ वही आपको पता है, अब्दुल पुत्र छाया हुआ है। हर एक कोई सदस्य चाहता है कि वो अब्दुल के पास घूमे, क्योंकि अब्दुल को फुटेज पूरी मिल रही है। बिग बॉस स्टार्ट होता है तो अब्दुल 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 होता रहता है, बिग बॉस एंड होता है तब भी अब्दुल अब्दुल होता रहता है। बस थोड़ी देर बाद वही घंटी बज गई बिग बॉस की फोन की, निमरत को बोल दिया अभी निमरत तुम फायर किए जाते हो, भाई तुमने अपना ध्यान नहीं रखा कैप्टनसी, मैं तुम्हें पहले ही बोला था, अब तुम कन्फेशन रूम के अंदर आ जाओ और बाकी सदस्य को बोलो लिविंग रूम में बैठे रहें। बस थोड़ी बार निमरत चल जाती है कन्फेशन रूम के अंदर, बिग बॉस बोलते हैं अभी मैं तो तुम्हें पहले ही बोला था कि ये एक हफ्ते की कैप्टनसी नहीं है, तुम कभी भी फायर हो सकते हो, बट चल तुम्हारा पहला चांस है, मैं तुम्हें दे देता हूँ कि भाई तुम अभी अपनी कैप्टनसी बचा सकते हो। तो बिग बॉस दूसरे ये भी नाम करते हैं जो लिविंग रूम में बैठे हुए हैं कि भाई तुम में से जो सबसे पहले गॉन्ग बजा देगा और बेल बजा देगा वो कैप्टन डेस्क के लिए दावेदार हो जाएगा। बस भागा भागा शालीन जाता है, वहां बेल बजा देता है। अब बिग बॉस अनाउंस कर देते हैं शालीन ने बेल सबसे पहले बजाई है, तो जो कैप्टन डेस्क है वो शालीन और अपना निमरत के बीच में परफॉर्म किया जाएगा। अब जैसे कल हुई थी एक बारी जो टीना थी, टीना ने अपना उसको बोल दिया था शालीन को कि भाई तेरे और सिंबल के बीच में क्या है, तो सिंबल लेके से कुछ अपसेट सी थी, सिंबल लेके साजिद से बातें कर रही, थोड़ी रो रही थी, साजिद उसे चुप करा रहा था। वो ये करती कि मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ा हूँ कि हर एक कोई मेरे ऊपर बोलता है जब मैं कहीं जाती हूँ तो मुझसे डिस्कस नहीं करते, ये वो, तो थोड़ी सी अपसेट लगी सिंबल उस चीज़ को लेके। बट यहाँ पे साजिद ने जैसे अपना रोल बनाया उसको कूल कर दिया। अब बारी थी टास्क की, टास्क में अब उसको बुला लिया गया। टास्क में क्या था कि गार्डन एरिया में दो स्टैंड बना दिए गए थे, दोनों स्टैंड में दोनों खड़ा होना था और सर पे एक बकेट ले लेनी थी, और जो दूसरे सदस्य करके वो पार्टिसिपेट करेंगे वो इनके बकेट से सामान डालेंगे जो भी है, और जो सदस्य सब दोनों में से सबसे लेट तक रहेगा वो जीत जाएगा। अब टास्क स्टार्ट हो गया, ये पहले बकेट में डालते रहे कि गमला डाल दिया गया। यहाँ पे शालीन के उसके ऊपर जो शिफ्ट था उसने पूरा अटैक करा, उसे बड़े बड़े भारी भारी डंबल डालने शुरू कर दिए। ऑब्वियसली है ऊपर बकेट थी, डंबल संभाल नहीं पाएगा। शालीन जो आया गुस्सा, उसने उठाकर बकेट को फेंक दिया और शालीन टास्क हार गया। यहाँ पे बिग बॉस ने अनाउंस कर दिया कि भाई जो अपना निमरत थी उसने अपनी कैप्टन को दावेदारी को बरकरार रखा और वो इस टास्क को जीत गई है। और निमरत को ये पावर भी दे दी गई कि निमरत जैसे पहले तीन सदस्य काम कर रहे हैं घर के अंदर, पूरे घर का काम कर रहे हैं, अगर तुम इसमें कुछ चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हो। उसने स्लाइटली चेंज किया, उसने किचन एरिया में चेंज कर दिया, उसको निमरत को डाल दिया किचन एरिया के सौंदर्य को बाहर निकाल के। अब निमरत ने भी अनाउंस कर दिया कि भाई मैं इस बार पहले कूल थी, अब इस बार कूल नहीं रहूंगी, कोई गलती ना करें भैया, प्लीज ऐसे मत करो, अगर मैं तुम्हारे मेरी कैप्टनसी की दावेदारी पे बात आती है तुम्हारे कारण तो ठीक है, फिर भैया मैं भी सख्त हो जाऊंगी। तो सब ने कूल कूल करा। उसके बाद बिग बॉस ने फिर लिविंग रूम में इकट्ठा कर लिया, बिग बॉस ने अनाउंस कर दिया भी जैसे कोई भी टास्क कर ही जा रहे हैं तो भैया अभी गौरी है, जो गौरी आई हुई है ये अपना डांस परफॉर्मेंस करेगी, और जो बाकी पांच सदस्य हैं जो नॉमिनेशन के अंदर हैं वो इससे पार्टिसिपेट करेंगे। अब अगर गौरी ये टास्क जीत जाती है तो गौरी को एक पावर मिल जाएगी, वो किसी को भी एक सदस्य को सेव कर सकती है नॉमिनेशन के अंदर से और अपने खुद को भी सेव कर सकती है। अब टास्क में कहता है गौरी परफॉर्म करेगी, जो बाकी पांच सदस्य हैं उसको अगर सपोर्ट करते हैं गौरी को तो एक एक टी शर्ट डाल के आएंगे अपनी गौरी के नाम की टी शर्ट और गमछा डाल के उसका डांस करना शुरू कर देंगे तो परफॉर्म कर देंगे। तो पांचों को देनी है, अगर ये पांचों सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर जो डिसीजन चेंज हो जाएगा, फिर ये पांचों डिसाइड करेंगे कि भाई कौन सा नॉमिनेशन सेव करेंगे, पर इनकी आपसी सहमति होनी जरूरी है। दो ये आपको पता है जब टास्क शुरू होता है तो डिसीजन शुरू होती है भाई किसको करें कैसे करें, आपसी सहमति बननी नहीं होती है। हार के गौरी को जिता दिया गया, गौरी ने खुद को सेव कर लिया, वो इस बार नॉमिनेशन से सेफ हो गई। बस एंड में फिर वही अब्दुल छाया हुआ है, अब्दुल के साथ यहाँ मिल लो, अब्दुल के साथ वहाँ मिल लो, अब्दुल के साथ गप्पे मार लो, हर एक कोई अब्दुल के आसपास घूमता रहता है। एंड में देखा ये भी गया कि भाई जो नई कैप्टन बनी है निमरत, वो शालीन और अपना गौतम आपस में डिस्कशन कर रहे थे, भाई जो अपना टीना ने उससे पॉइंट उठा लिया था कि उसका कोई सिंपल चक्कर तो नहीं है, वो कह रहा भी ये ना हर चीज़ को अपने थोपने शुरू कर देती है, तो थोड़ी बहुत डिस्कशन देखने को मिली और कल यहीं पर बिग बॉस खत्म हो गया। दोस्तों ये तो कल का एपिसोड, आज जो एपिसोड आएगा आपको पहले जैसे बताया था इस बार वीकेंड का वार फ्राइडे सैटरडे आएगा, तो वीकेंड का वार है, सलमान भाई तो आएंगे तो किसी ना किसी की तो वार लगनी है। उससे पहले मान्यता और अपना मान्य और सच्चिका के बीच में फाइट हो जाती है, बस वही एक औकात लेके मानेगा तू है क्या, तू है क्या, तो एक टीवी सर है ना, सिर्फ मैं अपने देश को प्रेजेंट करा, मैं भी इंडिया रह चुकी हूँ, ये है वो है, तो दोनों में अच्छी खासी लड़ाई देखने को मिल जाएगी।
सलमान भाई इस पर क्लास भी लेंगे। दूसरा, इस बार वीकेंड का वार बिल्कुल डिफरेंट, सलमान भाई घर के अंदर आके क्लास लेंगे, ये नहीं कि स्टेज पे लेंगे, वो घर के अंदर आ जाते हैं, सबसे मिलते हैं, क्लास लेते हैं, वहां पे एक सीट होती है, सलमान भाई को बैठा दिया जाता है। दूसरा, सलमान भाई इन सबके साथ बैठे डिनर भी करेंगे वीकेंड के वार के अंदर। और इस पिक्चर में जो पिक्चर आ रही है गुड बाय को प्रमोट करते हैं, अपना जो रश्मि बंधन वो भी आएंगी इसके अंदर। अब सलमान भाई रिमांड लेंगे, अपना बताएंगे भी कौन सच्चा और कौन झूठा, कि भाई जो फेक खेल रहा है कैसे कर रहा है। तो गौतम की यहां पे क्लास ले रही, गौतम फेक लग रहा है मेरे को पूरा, कि गौतम ढंग से नहीं खेल रहा, गौतम पूरी फेक गेम खेल रहा है, जो ओरिजिनलिटी है वो नहीं दिखा पा रहा। तो सबकी बारी बारी क्लास लगेगी, तो ये आज वीकेंड का वार आएगा। ओके दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी समय बिग बॉस का ऑनेस्ट व्यू लेके। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहिए मायापुरी कट।